हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। रुपेश की रसोई में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं ब्रेड पिज़्ज़ा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं कुछ सब्जियाँ ली हैं, काली मिर्च, और हमने ब्रेड्स लिए हैं। यहाँ मैंने सीजनिंग लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। तो यहाँ पर मैं बाउल में सारी सब्जियों को मिक्स कर लूँगी अच्छे से। आप अपनी कोई भी मनपसंद सब्जी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर लिए शिमला मिर्ची, प्याज, कॉर्न, इसमें हम डाल रहे हैं टमाटर काट के, और इसमें मैं डाल रही हूँ काली मिर्च। सीजनिंग, इसमें चिल्ली फ्लेक्स भी है, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। सारी सब्जियों को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये चटनी ली है, शेजवान चटनी। इसको हम ब्रेड के ऊपर लगा लेते हैं अच्छे से। ये देखो, इस तरीके से लगा लेना आप सारी। अब मैं इसके ऊपर सब्जियां डाल देती हूँ। इस तरीके से बच्चे सब्जियां खा भी लेते हैं। कोई भी ब्रेड से उनको तो ऐसी सब चीज़ें बहुत पसंद आती हैं। तो ये देखिए, मैंने सारी ब्रेडों पे लगा दी है सारी सब्जियां। मैंने यहाँ पर चीज़ ली है, ये चीज़ स्लाइस है। इसको मैं तोड़ तोड़ के इसके ऊपर रख दूँगी इस तरीके से। अच्छे से लगा लेना, क्योंकि बच्चों को चीज़ बहुत पसंद आती है। इस तरीके से तो मैंने यहाँ पर सभी ब्रेडों पे लगा दिया है चीज़। तो अब हम गैस की तरफ चलते हैं। यहाँ पर मैंने पैन लिया है, इसको मैंने गैस पे रख दिया है। गैस को मैंने ऑन कर रखा है, लेकिन गैस को मैंने स्लो पे पकाना है हमने ये पिज़्ज़ा ब्रेड, हाई पे नहीं। अगर हाई पे पकाएंगे तो हमारी ब्रेड नीचे से जल जाएगी। इसके ऊपर मैंने डाल दिया थोड़ा सा बटर। बटर को मेल्ट होने देते हैं हम। बटर हमारा अच्छे से मेल्ट हो चुका है। अब मैं इसके ऊपर डाल दूंगी ब्रेड। अब हम इसको 3 से 4 मिनट के लिए कवर कर देते हैं, जाके हमारी थोड़ी सब्जियां भी सॉफ्ट हो जाएं और चीज़ भी हमारी थोड़ी मेल्ट हो जाए। तो ये देखिए, 3 से 4 मिनट हो चुके हैं और हमारी सब्जियां अच्छे से पक भी चुकी हैं थोड़ी थोड़ी, और चीज़ भी हमारी मेल्ट हो चुकी है। तो ये देखिए, हमारी चीज़ और ब्रेड बढ़िया बन के तैयार हो गया है हमारा ब्रेड पिज़्ज़ा। तो ये देखिए कितना बढ़िया बना है ये। मैं इसके ऊपर डाल दूंगी थोड़ी सी सीजनिंग।
तो ये देखिए बढ़िया बन गया हमारा ब्रेड पिज़्ज़ा। अगर मेरे ब्रेड पिज़्ज़ा की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक बने रहिए रुपेश की रसोई में। बाय।